झारखंड को बने लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी राज्य में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मांग रखी थी कि विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी हो, लेकिन उस समय बाबूलाल मरांडी की कमजोर सरकार थी और इच्छा शक्ति नहीं रहने के कारण उन्होंने विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी नहीं की। वहीं भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने भी विधानसभा सीटों को बढ़ाने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा भी विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी की समर्थक है। उन्होंने बताया कि 2026 में होने वाली परिसीमन आयोग की बैठक में इस पर निर्णय होना है। देखिए, हमें यह लगता है कि ये डिमांड बहुत चिर परिचित डिमांड है और कांग्रेस पार्टी ने यह मांग उस वक्त रखी थी जब बिहार से यह राज्य अलग हुआ था और बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में पहली बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। हम लोगों ने कहा कि आप विधानसभा में विधेयक ला करके यहाँ सीटों का बढ़त का काम करो, लेकिन भाजपा उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति नहीं थी। कमजोर सरकार के रूप में बाबूलाल जी इस राज्य में नेतृत्व किए और उसका यह परिणाम हुआ कि आज 21 वर्षों के बाद भी इस राज्य में सीटें बढ़ने को लेकर के कहीं किसी प्रकार का कोई विधेयक विधानसभा के पटल पे नहीं लाया गया। कांग्रेस स्वाभाविक तौर पे इसके पक्ष में है और आप देखें कि कैसे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी। जब यह राज्य अलग हुआ तो उस वक्त छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में सीटें बढ़ाने का काम किया। तो हमें लगता है कि 17 साल जो भाजपा की यहाँ सरकार रही उसका दंश यह राज्य आज भी झेल रहा है। देखिए, विधानसभा के सत्र में और सर्वसम्मति से सभी पार्टियों के द्वारा ये सर्वसम्मति से तय हुआ था कि झारखंड में जो 81 सीट है उसको बढ़ाकर 140 किया जाए और इसके लिए ये प्रावधान है कि 2026 में परिसीमन आयोग का यहाँ पर बैठक होना है और उसी निमित्त ये सीट बढ़ने के प्रक्रियाधीन है और आने वाले समय में जब भी केंद्र सरकार पूरे देश स्तर में परिसीमन लागू करेगी, फिर से डिलिमिटेशन का काम चालू होगा, तो निश्चित तौर पर झारखंड में ये सीट बढ़ने के काम होगी।